नोटबंदी को लागू हुए एक महीना गुजर चुका है, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। अभी भी लोग बैंकों और एटीएम की लंबी लाइन में नजर आ रहे हैं। कैश की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में आज से 3 दिनों तक बैंकों की छुट्टी ने लोगों की मुसीबतें जरूर बढ़ा दी हैं। आज महीने का दूसरा शनिवार है, जबकि कल रविवार है और सोमवार को भी ईद ए मिलाद के कारण बैंक बंद रहेंगे। इस खबर के साथ ही जनता के मन में निराशा के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि आने वाले 3 दिन उन्हें केवल एटीएम के सहारे काटने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज से मेट्रो, बस और रेलवे में 500 के पुराने नोट बंद हो गए हैं। पहले 15 दिसंबर तक इन जगहों पर भी पुराने नोटों के इस्तेमाल की सरकार ने छूट दी हुई थी, लेकिन सरकार ने 2 दिन पहले इस फैसले में बदलाव कर दिया। सरकार के फैसले से अनजान मुसाफिरों को इसके चलते काफी परेशानियां भी उठानी पड़ी। हालांकि सरकार ने सरकारी अस्पताल, दवा, दूध समेत 15 जगहों पर 15 दिसंबर तक पुराने नोटों के इस्तेमाल की रियायत जारी रखी है। नोटबंदी का आज 32वां दिन है, लेकिन अभी तक कैश की किल्लत खत्म नहीं हुई है। वहीं अब 3 दिन की छुट्टियों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जाहिर है कि मंगलवार को जब बैंक खुलेंगे तो बैंकों के बाहर और लंबी लाइनें देखने को मिलेगी। देखते रहिए डीबी लाइव।